जयकारा पौना हारी बाबा जी दा, बोलिए साचे दरबार की जय। बाबा जी नू प्यार करन वाली संगते, बोलिए साचे दरबार की जय। कई लोग कह देंदे हन, हजे नाम क्यों लेना, हजे मेरी उम्र ही की है, जदों बुढ़ापा आवेगा जप लवांगे नाम, कर लवांगे पूजा, सुन लवांगे सत्संग, हजे तां मेरी उम्र सत्संग खेडण दी है। बाबा जी नूं प्यार करन वाली संगती, सानू की पता बुढ़ापा आवेगा जां नहीं, जां उस तों पहलां ही साडी डोर सवासां वाली कट्टी जानी है। एक बार एक कथावाचक कथा कर रहा सी, कथा विच एक प्रसंग ते व्याख्या करता है। वो व्याख्या विच गल चलती है, अगर असी मरण समय अपने अंत समय रब दा नां ले लईए तां सिद्धी स्वर्गां दी प्राप्ति हुंदी है। ऐनी गल सुनदे ही पंडाल च बंदा खड़ा हो जाता है। वो कहता है, फिर ऐने झमेले क्यों, सत्संग क्यों, नामदान क्यों, पूजा पाठ क्यों, जब अंत समय लए रब दे नां नाल स्वर्गां दी प्राप्ति हुंदी है। तां कथावाचक बहुत ही सोहना जवाब दिंदा है। वो कहिंदा, इन्ना सौखा नहीं साडे जीभां ते रब दा नां आ जावे, अंत समय इन्ना सौखा नहीं साडे जीभां ते ओ प्रभु दा नाम आ जावे। इसलिए सानूं अभ्यास करने पैंदे हैं, सत्संग सुनने पैंदे हैं, अपने मन नूं शांत रखना पैंदा है, चंगे गुरु दी शरण विच जाना पैंदा है, तद ही साडे जीभां ते उस रब दा नाम आंदा है, उस प्रभु दा नाम आंदा है। इन्ना सौखा नहीं है नाम लेना, इन्ना सौखा नहीं है नाम लेना। अंत समय लिया रब दा नाम 84 दे चक्करां तों मुक्त करदा है, इह जन्म मरण दे चक्करां तों मुक्त करदा है, सिद्धे स्वर्ग धाम दी प्राप्ति हुंदी है। इसलिए संते हर वेले रब दा नाम जपया करो, चलदे फिरदे बहिंदे उठदे रब नूं याद करिया करो, हर काम रब नूं याद करके करो, नीवें होके करो, तां जो अंत समय साडी जीभा ते रब दा नाम आ सके। बोलिए साचे दरबार की जय। बाबा जी नूं प्यार करन वाली संगते, बोलिए साचे दरबार की जय।